नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। खबर सिरसा के एलनाबाद से है, जहां गांव ढियाणी सेरावाली में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा गांव में पेयजल पाइपलाइन डालने के लिए गांव की सड़कों को जगह जगह से तोड़ दिया। आपको बता दें कि ठेकेदार ने गांव में सड़कों को तोड़कर पेयजल पाइपलाइन को डाल दी, परंतु तोड़ी गई सड़क को ठेकेदार ने अभी तक दुरुस्त नहीं करवाया, जिसके चलते सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए। ग्रामीण सरपंच नथुराम ने बताया कि ठेकेदार और विभाग ने मिलकर गांव की मुख्य सड़कों को तोड़कर पाइपलाइन डाल दी, परंतु सड़कों को बिना दुरुस्त कराए बीच में छोड़ दिया। ठेकेदार ने लापरवाही करते हुए सड़कों पर 3 से 4 फीट तक के गहरे गड्ढे छोड़ दिए, जो ग्रामीणों के लिए अब परेशानी का सबब बन गए। ढाणी शेरावाली से एलनाबाद को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर भी गहरे गड्ढे हैं, जो बरसात के दिनों में कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। गांव के जागरूक लोगों ने बताया कि कई बार दोपहिया वाहन चालक भी इन गहरे गड्ढों में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। बरसात के दिनों में इन गहरे गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसके चलते ये गहरे गड्ढे दिखाई नहीं देते और साइड के चक्कर में वाहन इन गड्ढों में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ठेकेदार ने पूरे गांव की गलियां खराब कर दी है। बार बार कहने पर भी कोई सुध नहीं ले रहा है। प्रशासन को बहुत बार अवगत करा दिया गया है, परंतु कोई भी सुध नहीं ले रहा है। हमने इस बाबत SDM महोदय, DC साहब, SC साहब, CM साहब और मंत्री जी से मिले हैं, पर काम कुछ नहीं हुआ। गलियां वैसे की वैसे खड़ी है, कल को जान माल का नुकसान भी हो सकता है। सड़क के दोनों किनारे गड्ढे पड़े हुए हैं बहुत से, और गांव में पीने के लिए खराब पानी पड़ा, गड्ढे बने हुए और सभी गलियां टूटी फूटी हुई है अभी। और अभी बरसात आई नहीं, आगे बरसात का मौसम और आने वाला है, उसके बाद पूरी ज्यादा बारिश होने के बाद तो यहां पर गांव की सभी गलियां खत्म हो जाएगी। और जो पानी की पाइपलाइन दबाई गई है, उसके बावजूद भी अभी हमारे गांव में पानी, मीठे पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। अभी भी गांव के सभी लोग खराब पानी पीने को मजबूर है।